Hey guys, what's up? So welcome back to our YouTube channel DKG Dexter Zone. So guys, आज मैं CMA Intermediate के exam के बारे में बताना चाहता हूँ. CMA Intermediate, right? As you can see over here, CMA Intermediate exam. So 11 तारीख को पहला पेपर है accounts का, financial accounting, basically financial accounting का पेपर है. So उसके संबंध में बताना चाहता हूँ. ये मैक्सिमम 3 मिनट की वीडियो, 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी, मैक्सिमम 5 मिनट की. बट ये आप अगर देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि व्हाट, क्या क्या पढ़ना है इस अकाउंट्स के पेपर में एंड हाउ, कैसे पढ़ना है उसको, देखते हैं जरा गाइस. मैंने एक स्टैटिस्टिकल जो है एनालिसिस किया है, जिसके बेसिस पे मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको जरूर करने चाहिए और पहले आप उन्हें ही करेंगे. तो देखिए गाइस, ये एनालिसिस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर का. हमारा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है. सो गाइस, आपको क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच, जो आपका स्कैनर होता है उसमें 10 इयर्स का एवरेज दिया होगा, जो कि ये होगा रफली, ठीक है, ये होगा. लेकिन आपको क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच यूज करनी है, जो कि मैंने बनाया. मैंने ना 4 ईयर का जो है एनालिसिस लिया है, 4 ईयर का एनालिसिस जो मैंने खुद प्रिपेयर किया है यहाँ पे, ठीक है. सो ये 4 ईयर का एनालिसिस में आप देखोगे कि कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देखो मैंने थोड़ा कलर भी चेंज किया हुआ गाइस. सो जो मैंने रैंकिंग भी दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो, ये 15, 16, 15, 20 इतने मार्क्स का आया हुआ है. सो ये चैप्टर है पार्टनरशिप, इसको आप एक रैंकिंग दो. सबसे पहले कोई चैप्टर अगर आपको करना है तो वो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है पार्टनरशिप. आप इसको सोच भी नहीं सकते कि आपको छोड़ना है, ये बढ़िया से आना चाहिए. 16 मार्क्स, जो 16 मार्क्स देख रहे हो, 16.5 मार्क्स का एवरेज है 4 साल का जो आ ही रहा है, ठीक है. और लास्ट ईयर तो लास्ट टाइम तो 20 मार्क्स का आया था. तो सबसे पहले अगर कोई चैप्टर आपको करना है अकाउंट्स में, तो गाइस पार्टनरशिप करें, कैसे भी करके करें. अगर आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं बनाऊंगा, मैं आपको रिविजन कराऊंगा इसका. लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आपको 100% करना है ये, ठीक है. इसको छोड़ के आप बहुत बड़ी गलती करेंगे. अगर नहीं करा तो इसको पहले ऐसा करें कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको करके आए, ठीक है, पहला. दूसरा गाइस देखो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये भी आपका रफली 15-16 मार्क्स का, यानी 16 मार्क्स का आ रहा है. आप इसको भी नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी. सो अगर आपको इसकी दिक्कत है इसमें तो मुझे बताओ, यानी कि ये दूसरे नंबर पे आपको करना है, ठीक है. तीसरा चैप्टर अगर कोई करना है एनपीओ, आप देख सकते हो भाई 15-15-15 मार्क्स का आ रहा है कंटिन्यूअसली, और एवरेज है इसकी रफली 11.5%, यानी कि ऑलमोस्ट 11-12 मार्क्स का आ रहा है. यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव इट. आप ये देखो ना, ये तो एवरेज हो गया, एवरेज मैंने 4 साल का निकाला है, ये 15 मार्क्स का आ रहा है, वरना 15 मार्क्स का आ रहा है, तो एवरेज भी 15 मार्क्स का आता अगर यहाँ पे भी आ जाता, तो यानी कि ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. ये तीन चैप्टर तो आप गाइस सोच भी नहीं सकते छोड़ने के लिए. ये तो आपको सबसे पहले करने है अगर आपको अकाउंट्स का पेपर निकालना है, ठीक है. बाकी रैंकिंग मैंने दी हुई है कुछ इसी हिसाब से, आप देख सकते हो 3 रैंकिंग मैंने दी है इसको. जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, बहुत ही ईजी है, बेसिक्स है क्लियर करने होते हैं बेसिक्स. अगर आपको नहीं आता, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो मैं उसमें बेसिक्स क्लियर करा सकता हूँ, एक वीडियो बना दूंगा फास्ट ट्रैक, 1 घंटे के अंदर सारा कवर हो जाएगा. 14 मार्क्स आपके ऑलमोस्ट पक्के हो जाएंगे. आप देखो ना, 20, 16, 8, 12, भाई कितना ज्यादा आ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते कि इसको छोड़ना है, ठीक है. तो 3 नंबर रैंकिंग मैंने इसको दी है, 4 नंबर रैंकिंग मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, 5 नंबर रैंकिंग मैंने, अच्छा ओके. सो गाइस ये यहां पे अगर आप देखो, कहां गया मार्कर, यस, ये देखो आप, पहला ये हो गया मेरा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये, यानी कि पहला ये हो गया मेरा, और ये हो गया मेरा दूसरा नंबर की रैंकिंग जो आपको करना है, और ये मेरा तीसरे नंबर की रैंकिंग है, और ये मेरा चौथे नंबर की रैंकिंग है. इसी प्रिफरेंस में आपको ये करने हैं, ठीक है. 5th नंबर की अगर आप रैंकिंग देखोगे तो इंश्योरेंस क्लेम 5th नंबर का है, 8.5 नंबर की एवरेज आ रही है. अगर आप देखो तो 7, 10, 5, 12 इतने मार्क्स आ रहे हैं. यू कैन नॉट इवन थिंक टू अफोर्ड टू लीव इट, ठीक है. आप यू कैन नॉट अफोर्ड इट एक्चुअली कि हम छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते. 5 हो गया. 6th नंबर का अगर आप देखो तो यहाँ पे एक हो गया आपका, जो मैंने 6th नंबर की रैंकिंग, 7 मार्क्स का आ रहा है गाइस. देखो ये आ रहा है काउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बस इसमें गुने चुने आई थिंक 5 या 6 काउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं, जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, 7 हो गया 10 हो गया, ऐसे करके. सो आपको इसको भी करना बहुत ईजी है. इनफैक्ट एक दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियो मैं डालूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद 7 नंबर की जो हो गया आपका, ये हो गया देखो 6.5 मार्क्स का आ रहा है, हायर परचेज एंड इंस्टॉलेशन सिस्टम. इसको बहुत ही ईजी चैप्टर है, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो इसे, कुछ भी इसके अंदर नहीं है. फिर इसके बाद गाइज ये हो गया, एक मैं ये स्किप कर गया, ये 6 मार्क्स का एक चैप्टर आ रहा है, ठीक है. तो पहले आप इसको भी करेंगे, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, यानी कि ये जो
पौने छह मार्क्स का है ये, और ये समझ लो आप इस रैंक में रख सकते हैं हम, ठीक है, आठ रैंक में रख सकते हैं, इन दोनों को आठ रैंक में रख सकते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है गाइज, इस चैप्टर को मैंने कंसीडर नहीं किया, जो जो मैंने रैंक लगाई है अगर उन सबको आप कर लेते हो, उन सबको यानी कि इसको अगर मान लो नहीं कर पाते हो या इसको नहीं कर पाते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं करना, नहीं कर पाते हो ठीक है, या मतलब जो मैंने मार्क कर रखे हैं, आप देख रहे हो ये मार्क्ड है, ये मार्क्ड है, ये तीनों मार्क्ड है, ये मार्क्ड है और ये मार्क्ड है और ये मार्क्ड है, मार्क्ड मार्क्ड अगर आप करते हो ना तो 76% वेटेज बनती है गाइज। तो सबसे पहले आप ये जो मैंने मार्क किए हैं इनको करो, ताकि बाकी चैप्टर्स अगर आप नहीं भी कर पाते हो तब भी आपका काम चल जाए। ये चैप्टर्स जो हैं ये आप नहीं भी कर पाते हो ना, ये चैप्टर्स आप नहीं भी कर पाते हो, ये चैप्टर्स आप नहीं भी कर पाते हो ना, तो गाइस सोचो कितना सारा टाइम आपका बच जाएगा, सर ये तो है, कितना टाइम आपका बच जाएगा और कितना टाइम आपका बच जाएगा और आप उस टाइम में आप ये वाले चैप्टर कर सकते हो। तो डू स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट अप्रोच लगाओ और ये हो जाएगा। आगे फिर किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं बता देता हूँ। आई होप ये आपको पसंद आई होगी एनालिसिस, अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है, क्योंकि 10 साल के एवरेज का कोई मतलब नहीं होता। आप चार एग्जाम्स के बारे में देखो कि पिछले चार एग्जाम में क्या हो रहा है, ठीक है, उसी के बेसिस पे एग्जाम आने वाला है अपना, ये जो आने वाला है 11 तारीख को। चलो आगे किन किन बातों का ध्यान रखना गाइस, टिप्स टू फॉलो। एक्चुअली सबसे पहली बात जो है, जो भी सोर्स आपने फॉलो किया है, व्हाटएवर द सोर्स यू हैव फॉलोड फॉर योर प्रिपरेशन अप टू नाउ, जस्ट फॉलो दैट स्ट्रिक्टली, ठीक है, डोंट स्विच ओवर बिटवीन कि पहले इससे पढ़ लिया, फिर स्टडी मैट से पढ़ लिया, फिर कोचिंग की बुक से पढ़ लिया, किसी और बुक से पढ़ लिया, डोंट डू दैट। एक ही सोर्स पे स्टिक रहो, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं एक जगह से, और क्वेश्चन आंसर आप कहीं से भी देख सकते हो, जस्ट देखो कि वो क्वेश्चन आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरा प्रैक्टिकली नहीं करके देखना उसको, देखना कि रीडिंग से ही पता चल जाता है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो उस कॉन्सेप्ट को जाकर के डिटेल में देखें। रिवीजन करना सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट का, और सबसे पहले वो करना हाई वेटेज वाला, जैसे कि मैं पीछे अभी बता चुका हूं वो वाले आपको करने हैं। अननेसेसरी जो चीजें हैं, जो छोटे छोटे मार्क्स के हैं और आपको समझ नहीं आ रही, छोड़ दो यार उन्हें, उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनकी कॉस्ट पर आप इंपॉर्टेंट वाले को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सो प्रायोरिटी दो, जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले करो। अगेन मैं बार बार कहता हूं, हेल्थ का ध्यान रखना है, डाइट का ध्यान रखना है और स्लीप का ध्यान रखना है। यू कैन नॉट कंप्रोमाइज विद दीज थ्री, क्योंकि अगर आप इसमें कंप्रोमाइज करोगे तो प्रिपरेशन पूरी हिल जाएगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको इन टॉपिक्स में से जो मैंने ऊपर लिखे हैं, किसी भी टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए, फास्ट ट्रैक वीडियो चाहिए, तो कमेंट में आप नीचे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द वीडियो ऑन द सेम टॉपिक व्हिच यू हैव रिक्वेस्टेड। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑफ कोर्स फॉर एग्जाम। हैव अ नाइस डे।